नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। और काफ़ी टाइम के बाद मैं एक स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ जो मैंने पढ़ी थी कहीं पर, और मुझे लगा कि मुझे आपको सुनानी चाहिए। तो मैं जितना मेरे ध्यान है मैं उतना बता देता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। कैसी लगी तो वो बाद की बात देखेंगे। चलिए करते हैं शुरू। हाँ, कहानी का जो शीर्षक है ना वो है आशीर्वाद। असल में क्या है, एक बार ना एक साधु अपने शिष्यों के साथ में कहीं जा रहे थे। मार्ग में एक गांव में रुके और वहाँ गांव वालों ने उनका बहुत आदर करा, बहुत आओ भगत करी, एकदम बहुत बढ़िया से अपने साथ में उनको बहुत अच्छे से रखा। तब वो कुछ दिन वहाँ पर रुक गए ना, तो फिर जो महात्मा जी थे वो जाने लगे। तो गांव वालों ने कहा, स्वामी जी हमें कुछ आशीर्वाद तो दे के जाइए। तो स्वामी जी ने कहा, उजड़ जाओ। कैसा आशीर्वाद? अब कुछ दूर आगे चल के ना एक और गांव पड़ा। स्वामी जी वहां भी जब पहुंचे तो वहां के जो गांव के लोग थे ना, उन्होंने कोई पत्थर मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई जो है उल्टा सीधा बोल रहा है। गांव से स्वामी जी को भगा दिया। तो स्वामी जी ने क्या किया, आशीर्वाद उनको दिया जाते जाते कि यहीं बसे रहो। अब जो उनके साथ शिष्य थे ना, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनमें से एक शिष्य था, उससे रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया स्वामी जी से, स्वामी जी आपने ऐसे उल्टे आशीर्वाद क्यों दिए? तो स्वामी जी ने इसका उत्तर दिया कि पहले गांव के लोग सज्जन थे, वे बहुत अच्छे थे, तो वो बाहर अगर जाएंगे ना तो अपनी सज्जनता, अपने अच्छे विचार, अपनी अच्छी आदतें सब जगह फैला देंगे, सबको अच्छा बना देंगे अपने साथ में। और जो दूसरे गांव के लोग थे वो अच्छे नहीं थे, वो एक ही जगह रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये समझ में आ गया था उनको, जो शिष्य थे उनके। कहने का मतलब यही है कि पहले जो गांव वाले थे वो अच्छे थे, इसीलिए उनको जो है आशीर्वाद स्वामी जी ने दिया कि चारों तरफ फैल जाओ, बस जाओ, बाहर भी निकल जाओ। और जो दूसरे गांव के लोग थे उन्होंने कहा, यहीं बसे रहो, बस यहीं तक ही सीमित रहो। कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर, और लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी जरूर करिएगा। और अगर चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब चैनल आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।